विंटर्स आर अप्रोचिंग, ऑब्वियसली आपका डैंड्रफ इशू जो है या तो वो आ जाता है या वो बढ़ जाता है, तो हमें ऐसा क्या करना है जो ये हमारा रिजॉल्व हो जाए विदाउट एनी कंसल्टेशन, महंगे प्रोडक्ट्स, इन सबको हम अवॉइड कर सके, जिनकी बॉडी में इन तीनों दोषों में से डोमिनेंसी होती है एज पर हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म का लिंक देते हैं, वो फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने हैं, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। विंटर्स आर अप्रोचिंग, ऑब्वियसली आपका डैंड्रफ इशू जो है या तो वो आ जाता है या वो बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका चैनल पे। और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और डैंड्रफ बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना है जो ये हमारा रिजॉल्व हो जाए विदाउट एनी कंसल्टेशन, महंगे प्रोडक्ट्स, इन सबको हम अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि डैंड्रफ हुआ क्यों। जब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड होता है, ड्राई एयर है, कोल्ड एयर है, सीजनल चेंज है, इसमें हमारा वात पित्त कफ जो हम आयुर्वेद में काउंटर करते हैं, बहुत लोगों ने सुना भी होगा वात पित्त कफ दोष होते हैं हमारी बॉडी में, जिनकी बॉडी में इन तीनों दोषों में से डोमिनेंसी होती है एज पर हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब ये तब तीनों दोष इम्बैलेंस तरीके से काम कर रहे हैं बॉडी में और ये बढ़ रहे हैं या इनकी मात्रा बढ़ रही है, तो आपको स्किन इश्यूज या अदर हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो डैंड्रफ है वो नॉर्मल आपका स्कैल्प में फ्लेकिंग है, जो ड्राई स्किन है, जो ड्राई डेड स्किन निकल रहा है थिन फ्लेकिंग की तरह, जो आप कपड़ों पे देख सकते हैं गिर रहा होता है या आसपास गिर रहा होता है, साथ में आपका हेयर फॉल भी बढ़ा देता है। तो ये जब हमारे दोष इम्बैलेंस तरीके से काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वो इफेक्ट हमारे शरीर पे दिखाते हैं और डैंड्रफ, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको और स्टिमुलेट कर देती हैं और बढ़ावा दे देती हैं, तो वो डैंड्रफ आपको बन जाता है। ये सिंपल साइंटिफिक लॉजिक है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, महंगे शैम्पूज लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, उससे पहले आप चाहें तो ये नुस्खे अपना के अपने घर में ही डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी जो डाइट है वो साथ में रिफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डाइट रिफॉर्म करे आपको प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ठीक होगी फिर रिलैप्स हो जाएगी। तो डाइट में आप अच्छा खाइए, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, ताकि आप इस सीज़न में तरह तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें, वायरल इन्फेक्शन से भी आपकी तबीयत खराब होगी और कंडीशन बढ़ेगी, तो वो अवॉइड करें। और नुस्खों में सबसे पहले आपको जो यूज़ करना है वो है नीम की लीव्स, जो होती हैं ईजिली अवेलेबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप नीम लीव्स को बॉइल करेंगे 15 से 20 मिनट पानी में, और उस पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करके अपना हेड वॉश करेंगे, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपका जो स्किन रैपिडली ग्रो कर रहा है, नॉर्मली ग्रो कर रहा है, ड्राई कर रहा है, उसको ये सूथ करेगा, उसको ये कम करेगा और आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। नंबर टू, अक्सर डैंड्रफ में मैंने देखा है कि लोग मसाज करनी छोड़ देते हैं, चंपी करनी छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको चंपी करना है वीक में 2 से 3 बार, आप शैम्पू से पहले ज़रूर चंपी करें, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं ऑयल को। जो ऑयल यूज़ करना है आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, उसमें थोड़ी सी मात्रा आप ऑलिव ऑयल की मिला सकते हैं, और 3 से 4 कैम्फर जो कपूर की टैबलेट्स होती हैं वो आप मिक्स कर सकते हैं। उसको लीव इट फॉर ओवरनाइट, आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए, या शैम्पू से 2 घंटे पहले आप चंपी करके रख लीजिए और आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। मेक श्योर कि शैम्पू आपको सूट करना चाहिए, तो आप ये एक नुस्खा अपना के देखेंगे। थर्ड, आप एलोवेरा जेल सबके पास मिल जाता है घरों में आजकल यूजुअली, और आसपास भी मिल जाता है, तो एलोवेरा जेल नेचुरली जो लीफ होती है उसको आप, उसका जो बीच का जेल है वो एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल आप एलोवेरा यूज़ करेंगे और उसको आप सर पे अप्लाई करके छोड़ देंगे, तो उससे भी आपका जो डैंड्रफ है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ फोर्थ जो नुस्खा है वो है मेथी दाना। मेथी दाना सबके घर में मिलता है, मेथी दाना को जो सीड्स हैं वो आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है, रात में पानी में भिगो के रखें, सुबह आप उसको ग्राइंड कर लें और उसमें कर्ड मिला के वो मिक्सचर आप अपने बालों में अप्लाई कर लें, वो हेयर मास्क का भी काम करेगा और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा, और जो फ्लेकिंग हो रही है एबनॉर्मली उसको कंट्रोल करेगा, जो हेयर फॉल हो रहा है डैंड्रफ के साथ उसको वो रोक देगा। तो आप उसको 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दीजिए और फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए, एंड बिलीव मी आप 2-3 बार ये चीज़ें रिपीट करेंगे तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। साथ में डाइट रिफॉर्म तो करनी है और खुश रहना है,
ताकि आप जितने खुश रहेंगे उतने सुंदर आप ब्यूटीफुल दिखेंगे, वही असर आपके बालों पे जाएगा, वही असर आपके स्किन पे दिखेगा। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो करिए, जिससे आपकी स्किन ड्राई ना रहे, पसीना निकलता रहे, टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता रहे। इससे जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस तरीके से काम नहीं करता और आप हेल्दी फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके और ये चीज़ें मॉडिफाई करके आप अपने डैंड्रफ को घर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी महंगा कंसल्टेशन। और अगर आप कोई भी क्वेरी का आंसर चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म का लिंक देते हैं, वो फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने हैं, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और इससे आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाएगी और ट्रीटमेंट जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही मिल पाएगा और इधर उधर की कंसल्टेशन से आप बचे रहेंगे। तो और चाहें तो ऑयल कौन सा यूज़ करना है आपको, आप सी आयुर्वेदा का ऑयल यूज़ कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ। आप 2-3 बार से ही जब इसको यूज़ करना शुरू करेंगे आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो रहा है। आप चाहें तो इसका शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल है, आयुर्वेद बेस्ड है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और कोई भी महंगे प्रोडक्ट से बहुत बेटर है, मैंने खुद यूज़ करा है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है और आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।